हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। तो वी हैव जस्ट फिनिश्ड विद द डिस्कशन पार्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड लॉगरिथम, और ऑन द लास्ट लेक्चर वी हैव फिनिश्ड विद ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता रखा हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर में, ज्योमेट्री इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और अगर आपको नहीं दिख रहा है इसका इंपॉर्टेंस, तो मैं आपको ब्लिंक करा दे रहा हूँ ना ये चीज़ कि आपको लास्ट 10 सालों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो लास्ट ईयर 6 सवाल आए हुए हैं, उससे पहले 5 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 6 सवाल, उससे पहले 6 सवाल, उससे पहले 10 सवाल है, उससे पहले 5 सवाल, उससे पहले 5 सवाल, उससे पहले 6 सवाल, उससे पहले 8 सवाल, उससे पहले 5 सवाल, और भी आगे ना 8 7 में भी मैंने डेटा दे रखा है आपको, ठीक है। 8 7 में भी 8 8 सवाल आए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे आप तो 6 से 8 सवाल तो इसमें चैप्टर में फिक्स है, और 6 से 8 जैसे लास्ट के 6 सवाल है, उससे पहले 5 है। बस 2017 में एक बार ऐसा हुआ कि 2 सवाल आया, उसके पीछे भी कुछ रीजन है, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप जैसे ट्रेंड देख रहे हो ना, तो मिनिमम 6 सवाल, 5 6 सवाल तो मुश्किल, मतलब लाजिम है। लाजिम इसलिए भी है कि आप अगर इसका कंटेंट पार्ट देख रहे होगे, अगर कंटेंट पार्ट देखोगे तो टोटल हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स टोटल 8 चैप्टर फिनिश कर लेते हैं हम लोग 4 लेक्चर के अंदर, ठीक है। 4 लेक्चर लगेगा इंशाल्लाह पूरा फिनिश, क्योंकि अभी तक मैं 4 लेक्चर में फिनिश करते आ रहा हूँ, जब भी बैचेस में पढ़ाया, जितनी बैचेस पढ़ाया। और एक ज्योमेट्री थ्योरम शीट मैंने बनाई है, इसके बारे में भी आएंगे। पहले तो इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्यों कम से कम 5 से 6 सवाल तो फिक्स ही है इस चैप्टर से आना है, क्योंकि जब आप क्लास 9th में पढ़ोगे तो 9th का चैप्टर नंबर 5 है ना, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 8 दैट इज क्वाड्रिलेटर, चैप्टर नंबर 9 एरिया रिलेटेड टू पैरेलोग्राम एंड ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 10 सर्कल। 6 चैप्टर जो ये लगातार वो ज्योमेट्री पे बेस्ड है। और 10th क्लास में भी 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, इसके लिए वो सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट है, क्योंकि चैप्टर नंबर उधर जो ट्रायंगल है चैप्टर नंबर 7 वो कॉन्गेन ट्रायंगल पे बेस्ड है ना, कॉन्गेन ट्रायंगल पहले भी 7th 8th में पढ़ के आए हुए हो ना, शायद 7th क्लास में था कॉन्गेन ट्रायंगल। और चैप्टर नंबर 10 सर्कल, सर्कल 9th का और 10th का दोनों 10 10 10 10 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर 9th का, 2 चैप्टर 10th का, तो मिला के टोटल हुआ 8 चैप्टर। आप सोचो अगर 8 चैप्टर से मिलकर पूरी ज्योमेट्री अगर बनी है और हर चैप्टर से एक सवाल उठा ले, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री तो एक ही साल, एक बार 2011 में और 2016 में 2 बार सवाल आया है ना, तो यूक्लिड्स वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सिमिलरली पॉलीगन का भी पार्ट एक चैप्टर है, क्लास 8th का पार्ट है, अभी दिखाऊंगा मैं किस अंदाज में जाऊंगा। तो 8 चैप्टर से अगर एक एक सवाल भी हर चैप्टर से उठाए तो उनको तो लाजिम है कि कम से कम 8 सवाल तो बनने चाहिए। और आप डेटा देख लीजिए कि लास्ट 10 सालों में, 10 तो नहीं, इनफैक्ट आगे भी देखेंगे अगर आप, तो 2007 और 8 में भी 8 8 सवाल आए हुए हैं, ठीक है। और मिनिमम 6 में बोल रहा हूँ, तो आप 6 6 का आंकड़ा देख लो, 2014 में तो 10 सवाल थे, तो 8 का आंकड़ा वो भी पार किया हुआ एक तरह देखा जाए तो 2019 में, फिर 6 6 6 1 2 3 4 5 6, लास्ट 10 सालों में 6 बार तो ऐसा हुआ है कि कम से कम 6 सवाल तो पूछे ही गए आपको। तो आप एटलीस्ट इतना तो मान सकते हैं इस आइडिया के हिसाब से, इस आंकड़ों के हिसाब से, कि 6 सवाल लाजी में इस चैप्टर से आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे चलेंगे, फिर हम लोग देखते जाएंगे ना। अच्छा, 2017 में बड़ा अच्छा हुआ कि 2 ही सवाल आया था, उधर थोड़ा सा वेटेज डिस्ट्रीब्यूटेड सही से नहीं हुआ था, जिस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर चैप्टर में, उस पैटर्न से 2017 का एकदम अलग सा पेपर आया था, ठीक है, और बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। 2017 में कुछ बैचेज ऐसे थे जिस साल में पढ़ा रहा था 11 एंट्रेंस 2017 वाले बैचेज में, तो कुछ बैचेज में थोड़ा ज्योमेट्री पढ़ाना रह गया था, थोड़ा कम टाइम मिला था, रैंडम ऐसा हुआ था कि 16 में 45 दिन करीबन मिलता था हम लोग को बोर्ड्स के बाद ना, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन फिर अचानक से वो 17 में वो टाइम कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था, करीबन 1 महीना मिल रहा था ना, अप्रैल में एग्जाम होना शुरू हो गए थे, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा हुआ था। तुम्हारा जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है ना, इतना मानता हूँ मैं। तो दुआ किया था, अच्छा है यार कि 17 में जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसी में सवाल आया। इनफैक्ट 2015 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों नहीं, ज्योमेट्री में ऐसा है कि मैं बच्चों से पूछता हूँ कितने बच्चे हैं जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है, तो काफी बच्चे हाथ उठाते, काफी तो नहीं मतलब 20-30% बच्चे हाथ उठाते हैं ना, मैंने देखा है इतने बच्चे हाथ उठाते। इनफैक्ट मैं भी उस वक्त में जब मैं 10th क्लास में था तो ज्योमेट्री से बड़ा डरता था कि सर न्यूमेरिकल वाले सवाल दे दो, प्रूफ वाले मत देना। और सही बात है, आपके बोर्ड्स नहीं है कि आपको प्रूफ वाले सवाल आएंगे, तो पहले तो आप डर अपना निकाल दीजिए कि प्रूफ वाले सवाल नहीं आने। अच्छा, ज्योमेट्री जो पूरा कमाल है वो थ्योरम्स, तो करीबन 80 का अप्रॉक्स थ्योरम्स है, और आपका थ्योरम्स के साथ वो कॉन्सेप्ट का खेल है कि आपको कितने रिजल्ट्स या कॉन्सेप्ट आपको पता है, कितने सारे डिफिनेशंस आपको आते हैं। अब आप बताइए, करीबन ना तो पूरे ज्योमेट्री में पढ़ाऊँ ये 8 चैप्टर, और मेरा अंदाज है ना बेसिक से ही पढ़ाता हूँ, कुछ भी ऐसा चीज़ है एकदम डायरेक्ट ज्योमेट्री के डिफिनेशन से शुरू करूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपका जो भी डर है वो आपका दूर नहीं हो जाए ना, ठीक है। तो ज्योमेट्री का डर को दूर करने के लिए मैंने कहा ऐसा क्यों ना करूँ मैं थ्योरम शीट बनाऊँ जिसमें सारे थ्योरम्स एक जगह हो,
कि बच्चों को लिखवाने में टाइम ना जाए। और जितने भी डिफरेंशियल्स वगैरह हैं या जितने भी एनसीईआरटी के रिजल्ट, पहले 15 में तो रिजल्ट्स मैंने नहीं डाला था, फिर उसके बाद मैंने रिजल्ट्स डाले 16 में मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ब्रीफ करा रहा हूं आपको ताकि दिख जाएगा कि इस एनसीईआरटी में ये चीज एनसीईआरटी में प्रूफ कराया गया है। आप इसको रिजल्ट को एज इट इज याद रख लो, ऐसा होता तो आंसर यही आता है और उसी का फायदा हुआ। 2017 में 2 सवाल आए थे, उस 2 में से 1 सवाल रिजल्ट एज इट इज कॉपीड हो गया आया था, ठीक है। तो मैंने वही किया कि जितने रिजल्ट्स हैं एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे वाले वो भी मैंने मार्क करा दिया। बहुत बार ऐसा हुआ, फायदा हुआ उसके बाद भी कि रिजल्ट एज इट इज उठ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा नहीं कुछ ना कुछ लैग कर रहा, तो मैंने कहा नहीं एक और काम करते हैं, इसमें ईयर भी मेंशन करते हैं कि भाई किस ईयर में कौन से लाइन से सवाल पूछा गया है, तो आपको दिख रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा सवाल अगर आया है तो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। एक पाइथागोरस थ्योरम पे आप जाके देखेंगे उस टॉपिक में, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर दिख जाएगा आपको पूरा सबसे ज्यादा सवाल उस टॉपिक से आया है। देखिए चैप्टर्स का अगर हम इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वाड्रिलेटरल और सर्किल वाला चैप्टर है, लेकिन वो समझ में तभी आएगा जब आगे का बेस आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने जो डिवीजन किया हुआ है वो अपने अंदाज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको कंटेंट वाले पेज में दिखेगा कि अपने अंदाज में मैं सबसे पहले यूक्लिड ज्योमेट्री देखूंगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद एंगल्स एंड स्टार, आपके एनसीईआरटी में लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल्स के टाइप्स वगैरह, वो लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स में ना सबसे लास्ट जो एक्सरसाइज है 6.3 उसमें मेंशनड है, लेकिन मैं 3 अलग चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा एंगल्स एंड स्टार्स, लाइन एंड स्टार्स, ट्रायंगल्स एंड स्टार्स, उसके बाद मैं आऊंगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फिर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। देन वी विल सी क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी का 2 चैप्टर भी मैनेज हो जाएगा, एक तो क्वाड्रिलेटरल वाला और दूसरा जो एरिया रिलेटेड टू पैरेलोग्राम वाला पार्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर होगा, थोड़ा सा ट्रायंगल के पार्ट में कवर होगा, ठीक है। मजेदार पार्ट तो ये है कि जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ाओगे तो आपको दिखेगा बहुत सारे बच्चों को डिफिनेशंस तक नहीं पता होते फिर एग्जैक्ट रेक्टेंगल का डिफिनेशन क्या है, पैरेलोग्राम का डिफिनेशन क्या है, वो आप सामने तो आप नहीं बैठोगे मैं आपसे पूछ पाऊंगा, आप अपने आप को देखना कि सच में आप क्या डिफिनेशन बताते हो उस पर। तो मैंने कहा नहीं यार एक थ्योरम शीट होना बहुत जरूरी है, तो मैंने बहुत मेहनत करके करीबन मेरे को 3-3.5 महीने लगे थे मैं चीजों, इनफैक्ट देखिए हर साल मैं इंप्रूव कर रहा हूँ और हर साल जैसे 2019 में भी जो जो टॉपिक से सवाल आए हैं वो टॉपिक ऑलरेडी मेंशन कर देंगे कि इस टॉपिक या इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल उठ के आया था, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेके आप एक काम, हाँ बस एक सजेशन है कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट के फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, तो इस असाइनमेंट को आप डाउनलोड करके अगर प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा नहीं, हाँ मैं बस डिक्टेट कराऊंगा कि ऐसा होता है, बस आप उस चीज को अंडरलाइन या मार्क करते जाएंगे। कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं पे ब्लैंक स्पेस दे रखा है मैंने, वो जानबूझ करके मैंने ब्लैंक स्पेस दिया क्योंकि वहां पे मुझे कुछ चीजें लिखानी है आपको, अब यहाँ पे तो लिख नहीं पाओगे आप डायरेक्ट, ना अगर पीडीएफ में लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ के फॉर्म में उसको जो भी चीजें ऐड करनी है वो ऐड कर लो आप, ठीक है। इसको प्रिंट आउट ले लो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं क्लासरूम में प्रिंट आउट के फॉर्म में बताता हूँ, उसके बाद ही मैं लेक्चर शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि आपसे बस प्रिंट आउट का मसला है, इसलिए मैं लेक्चर्स का हर पेज जो जो पेज पे रहूंगा मैं, इसलिए मैं इधर साइड में लिखूंगा नहीं, इधर साइड में वो पेज मैं ब्लिंक करा दूंगा ताकि आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा और जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे इफेक्टिव रहेगा, अगर आप प्रिंट आउट ना भी लेते हो तो आपको सामने दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मैं लिखाऊंगा वो आप नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो पेज नंबर 1 पेजेस भी मेंशन है, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो उसमें पेज नंबर 1 में क्या चीज ऐड करना वो आप लिख लो, पॉइंट नंबर दिस में ये ऐड करना, ये ऐड करना, बाद में जब प्रिंट आउट निकाल लेना तब उसमें सब चीजें ऐड कर देना। आज तक कोई सवाल लास्ट 5-7 सालों से इस थ्योरम शीट से हट के नहीं आया, इसलिए जो थ्योरम शीट बहुत सारे